हुआ है वो कोई एक समाज के नहीं थे, वो महापुरुष थे। महाराणा प्रताप से राणा पूंजा भी कोई कम नहीं थे, दोनों साथ थे, दोनों ने मिलकर के युद्ध जीता है। उनका अपमान होना सब समाज का अपमान हुआ। इसलिए मेरे मन की ये इच्छा थी कि मैं जब तक इसको 3 दिन में मूर्ति को नहीं लगा दूंगा और इसका अनावरण कर देंगे हम, ताकि बाकी चीज़ें से बाद में लड़ेंगे हम। और निश्चित तौर से प्रशासन पर मैंने आज चेतावनी दी है कि 7 दिन के अंदर इसका यह खुलासा नहीं करेंगे हम। ये बंदर से मूर्ति गिर गई टूट गई ये मानने वाले नहीं है। उस दिन मेरा फर्ज बनता था कि मैं लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ूं, इसलिए मैं आंदोलन नहीं किया। लेकिन अब ये तय है कि हम सब आज मिलकर के आंदोलन करेंगे। कोई न कोई सरकार का दबाव है और इसको लिपापोती की जा रही है, और लिपापोती भी करेगा तो पूरे प्रशासन की ईंट शेर बजा दूंगा। जिस राणा पूंजा की मूर्ति की स्थापना मैंने मेरे हाथ से की थी, उसकी वापस 3 दिन में वैसी की वैसी मूर्ति स्थापित करा दूंगा। मतलब जो मार्बल की थी पूरी जैसी थी वैसी की वैसी मूर्ति आप कोई भी 3 दिन बाद आकर देखोगे तो आपको लगेगी महाराणा प्रताप के संग राणा पूंजा विराजमान है। महाराणा प्रताप की ये भी खंडित हो रही है तो इसको भी नए सिरे से इसकी ये मूर्ति भी हम लगाएंगे। और आप निश्चित रहो कोई खेलवाड़ा में ही नहीं है, आमेर में भी आप जाके देख सकते हैं कि मुर्दा गांव में 2 बीघा जमीन में एलोट कर राणा पूंजा की मूर्ति लगाई है। 2 बीघा जमीन एलोट करा कर और समाज की वहाँ सराय मंडी है, समाज के लोगों की मीटिंगें होती है। और आज आप और हम कोई समाज दूर नहीं है, आप सबको ध्यान है। यहाँ जब उस समय मूर्ति का अनावरण था सब समाज के लोगों ने आगे से चल कर काम किया, कंधे से कंधा मिलाकर। और हम मैं चाहता हूँ आप इस बात को अब इतनी मत बढ़ा करके एक बार समाप्त करने की कोशिश करो। किसी न किसी बात को समाप्त तो कहीं करना ही पड़ेगा, परिणाम तक तो अपन को जाना ही पड़ेगा, परिणाम तक। अब निश्चित तौर से मैं कह रहा हूँ आपको, पुलिस वाले डिप्टी भी आपको बताएंगे, पुलिस निश्चित तौर से इसमें पूरी कार्रवाई करेगी। दोषी है वो बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए, ताकि आगे भी जाकर के ऐसा कोई दुष्कर्म करने की हिम्मत नहीं करे कि यहाँ कोई आपस में सामाजिक विवाद खड़ा कर दे। ये महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है और महाराणा प्रताप के साथ राणा पूंजा का जो त्याग था ना, वो आप हम अब कुछ नहीं कर सकते। वो महाराणा प्रताप के साथ जो 5 सदस्य थे, 5 सदस्य जो प्लानिंग बनती थी क्या करना था, उसमें राणा पूंजा बैठता था और वो ये निर्णय करता था कि अब आगे क्या करना कल अपने। इसलिए ये दूरियां नहीं बढ़नी चाहिए, हम सब एक हैं और साथ रहेंगे। और यह साथ प्रतिभा लगाने का कारण यही, प्रताप जयंती के दिन भी सब समाज के लोग यहाँ आते हैं और पूजा जयंती के दिन भी सब लोग यहाँ आते हैं। इसलिए हम भाई भाई हैं और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया मैंने। भाई एक मिनट सब चुप रहो भाई, 2 मिनट सब चुप रहो। जब आप बोलोगे तो ये बात कैसे होगी? एक चीज MLA साहब, मैं इस चीज का प्रत्यक्ष हुआ है कि अम्बेडकर साहब की मूर्ति अनावरण और प्रताप मूर्ति अनावरण एक ही दिन था, और उस दिन मैं MLA साहब के साथ कार्यक्रम में था तो मैंने MLA साहब को उस दिन एक बात कही थी और उस बात को साहब ने पूरा किया। मैंने कहा साहब राणा प्रताप की मूर्ति लगी, बाबा साहब की मूर्ति लगी, लेकिन एक कमी रह रही है कि राणा प्रताप का जो साथी था राणा पूंजा भील की मूर्ति नहीं लगी। तो उस दिन कहा था वो चीज, एक चीज ये पूरा भील समाज या आदिवासी समाज और पूरा बहुजन समाज यहाँ मौजूद है, SC ST OBC अन्य सभी समाज के हैं, एक हमारी भी इच्छा है ये चीज कि दोनों प्रतिमाएं एक साथ लगे और दोनों पत्थर में एक जैसी लगे, एक बराबरी की लगे। राणा पूंजा की मूर्ति के साथ साथ जब 3 दिन में राणा पूंजा की मूर्ति लग सकती है, तो ये पूरे सभी उपस्थित लोगों की ओर से निवेदन है कि साथ साथ में महाराणा प्रताप की भी भव्य मूर्ति एक साथ दोनों का भव्य अनावरण करवाओ। जब एक लग सकती है दोनों हो जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पे जो सारे लोग हैं, हमारा ये निवेदन है कि आप जो प्रशासन और आप दोनों यहाँ पे विराजमान है, यहाँ जो लोग है हम न तो किसी एक महापुरुष के लिए, हम उस महापुरुष के लिए है जो मेवाड़ का महाराणा प्रताप के साथ पूरे मेवाड़ के लिए काम किया, उस महापुरुष के लिए है जो मेवाड़ का राजा। यहाँ पे कोई समाज की या जात की बात नहीं, ये पूरे मेवाड़ की बात है। और मेरा जो आप MLA साहब ने आप सबका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, आपने जो आश्वासन दिया हम सभी मान रहे हैं।
मैं थोड़ा सा हमें दुख इसलिए होता है, मैं सबकी तरफ से कहना चाहता हूँ कि सुबह हमने अखबार में उठ के पढ़ा तो उसमें आ रहा था कि बंदर ने मूर्ति तोड़ी। मैं एक मैं मान सकता हूँ, मैं मान सकता हूँ कि बंदर ने भी तोड़ी हो सकती है, लेकिन आप बिना प्रूफ या बिना जांच के कैसे कह सकते हो बंदर ने तोड़ी। मेरा ये निवेदन है, या तो मेरे जो मीडिया बंधु उनसे भी मेरा निवेदन है, हम फैक्ट के अनुसार कोई चीज बिना फैक्ट से नहीं लिखे किसी भी तरह से। या तो आप उसके फैक्ट दें हमें कि वास्तव में बंदर ने तोड़ी है, या जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। पूरे जो पूरे जिले से राजसमंद उदयपुर या भिलवाड़ा सबसे सबकी यही मांग है। और दोनों महाराणा प्रताप और बिल्लू राणा दोनों मेवाड़ की शान है, दोनों का